हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने वाले हैं कच्ची हल्दी का अचार। आजकल मार्केट में कच्ची हल्दी आनी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा इसका अचार बनाना बताया जाए। इसका अचार बहुत टेस्टी लगता है और पौष्टिक भी होता है। ये एंटीसेप्टिक होता है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो ये खून को भी साफ करता है। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम हल्दी ली है। इसको हम अच्छे से पानी में धो लेंगे, धोकर हम इसको छील लेंगे। और इसको छीलने के बाद वापस पानी में डालना है। ये ऐसे करके इसको वापस पानी में डालना है और फिर इसको हमें कसना है, मोटे कद्दूकस में कस लेना है। ये मैंने कस ली है, कच्ची हल्दी है। ये कसने के बाद थोड़ा सा रंग इसका चेंज हो जाता है, तो ये मैं अब इसको हम अलग रख देंगे। अचार के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने काली सरसों ली है, छोटे वाली चम्मच, डेढ़ चम्मच ली है। मेथी दाना लिया है एक छोटी चम्मच, नमक एक चम्मच, लाल मिर्च एक चम्मच, सरसों का तेल करीब मैंने आधा कप लिया है। ये मैंने दो नींबू का रस निकाल लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें ये तेल डाल देंगे। इतने हमारा ये तेल गर्म होता है। ये जो सरसों और मेथी है, इन दोनों को मिलाकर हम मोटा मोटा सा पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। ये थोड़ा दरदरा सा है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तेल गर्म होने देंगे अच्छे से और इसमें हम ये हल्दी डाल देंगे। इसी के साथ एक किनारे पर को हम ये मेथी और सरसों डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डालेंगे। ये आम के अचार से बिल्कुल अलग होता है। इसको अब हमें करीब एक मिनट भूनना है। मैं गैस को ऑफ कर रही हूं। इसको आप नीचे उतार लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसमें मिर्च डाल दें। मिर्च अपने हिसाब से कम ज्यादा रख लें। अब नमक डाल दें। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें नींबू का रस डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। अब हम एक साफ कांच का बर्तन लेंगे या सीसी लेंगे कोई, उसमें इसको भर देंगे। अब इस अचार को मैंने एक कांच की सीसी में शिफ्ट कर लिया है। यह अचार बिल्कुल तैयार है। इसको आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ये बहुत गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।